Good evening, good evening, good evening. एक आओ जी साक्षी दिशा अंशुल अभिजीत काव्या ऋषिका दिवांशी दीपांशु महक कृष मुकुल वैभव वैभव की पिटाई करते हैं नक्ष गगन दिशा कृषांगी लतिका इंदर अश्मित मोहित मनप्रीत उमेश वाजपेयी साहब सलूजा की पिटाई करेंगे जसविंदर मान्य रीति हर्षिता इंदर अमन गुप्ता साहब आशीषार हर्षिता हिमाक्षी केतन मंतेश नैतिक निशीत अग्रवाल साहब रॉबिन साक्षी विपुल जी अनम्यूट करेगा वैभव अरोड़ा जल्दी अनम्यूट करेगा वैभव अरोड़ा जल्दी यस yes, सर भाई लास्ट क्लास में कहा थे वैभव अरोड़ा बेटा लास्ट क्लास में कहा था वैभव बाहर अरोड़ा आवाज नहीं आ रही वह बो अरो आवाज नहीं आ रही बेटा चलो बढ़िया चलो बढ़िया बेटा ठीक है ठीक वह आप क्लास रेगुलरली ले रहे हो बेटा है वैभव वैभव आप क्लास रेगुलरली आ रहे हैं बेटा ओके okay जी नहीं नहीं भाई करो जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए जी प्यारे हमने लास्ट क्लास लास में शुरू किया था चैप्टर टू टेस्ट के लिए रेडी प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज बातें कम काम ज्यादा जी रेडी चैप्टर टू स्टार्ट किया था 1950 से 1990 तक का इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 से 1990 का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी चलिए टेस्ट स्टार्ट टेस्ट स्टार्ट मिनट का डस्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग का अदर नेम जल्दी अभिजीत ऋषिका दिवांशी। दिपांशु कृष। दक्ष गगन लतिका आशी। चारवी हर्षिता हिमाक्षी केतन ऋषित रॉबिन भाई जल्दी 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 टेस्ट हो रहा है मेरे प्यारे शतानों का इसका अदर नेम गुलाटी ने क्या बताया था इसका बताया था सर आपने फाइव ईयर प्लान प्लान ओके एक गोल था हमारे कोर्स में दूसरा क्या था जल्दी हिमाची याद है भूल गया क्लास भी स्टार्ट कर रही है गुलाटी सर ने बताया था गोल एक बताया था फेलियर क्रिटिजम फेलियर क्रिटिजम शाबाश 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 फेलियर क्रिटिजम ओके कितने गोल बताए थे चार भी कितने गोल बताए थे चार 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 चार, चार। दिवानशी पुत्र क्या कर रहा है चार गोल थे जी ग्रोथ में किसकी ग्रोथ जल्दी किसकी ग्रोथ करप्शन की करप्शन की पॉपुलेशन की, की? गुंडागर्दी की नहीं नहीं सर किसकी सर नेशनल इनकम पर कैप्टा इनकम जीडीपी स्टैंडर्ड इनकम है नेशनल इनकम पर कैप्टा इनकम जीडीपी स्टैंडर्ड ओके सेकंड मॉडर्न दो तरीकों से बनते हैं पहला लिखीगा फास्ट पहला मॉडर्न किससे बनते हैं न्यू टेक्नोलॉजी दूसरा आशी फास्ट न्यू टेक्नोलॉजी सोच बदलो सोच बदलो ठीक है जी तीसरा वो क्या था अमीर गरीब में गैप कम करना रुद्राक्ष लतिका दक्ष अमीर गरीब में गैप कम करना सर ने क्या बताया था सर आपने बताया था इक्विटी इक्वलिटी इक्विटी इक्वलिटी ओके सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस पहला किसको रोकना एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को जल्दी ओवरव्यू दे रहा हूं दिशा किसको रोकना एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को सर इंपोर्ट को रोकना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और दूसरा था बाहर से क्या कम लेना है, है साक्षी बाहर से क्या लेना है लोन थैंक यू रॉबिन लेस फॉरन डेट ओके इंपोर्ट को रोको बाहर से लोन कम लो ओके 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 पहला ग्रोथ दूसरा मॉडर्न तीसरा इक्विटी फोर्थ सेल्फ रिलायंस रेडी रेडी बेटा टेस्ट हो गया अब आज की क्लास स्टार्ट देखिए बेटा ग्रीन रेवल्यूशन क्लास स्टार्ट नाउ पीयूष भाई ग्रीन रेवल्यूशन 1966 में स्टार्ट हुई थी 1966 में स्टार्ट हुई थी पंजाब हरियाणा एपी तमिलनाडु पहले ये चुप 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 सिक्सटी सिक्स में स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति नैतिक भाई चार स्टेट से मेन थी पंजाब में थी हरियाणा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पहले चार में थी फिर पूरे इंडिया में फैली ठीक है सचिन सर ने बताया था हरित क्रांति के तीन मेन रीजन थे अच्छे बीज हाई यील्डिंग वैरायटी। हरित क्रांति क्यों आई तनु हाई जील्डिंग वैरायटी। नंबर टू इरिगेशन।, इरिगेशन, इरिगेशन। तीसरा फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नन करेंगे जल्दी पहला एच वाई सीड दूसरा इरिगेशन, तीसरा फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड, सीक्वेंस रुकिए रुकिए सक्षम सक्षम और पहले हमारे पास एच वाई सीड सिर्फ पांच थे एच सीड काव्या पांच थे एक हमारे पास था वीट का एक राइस का एक मेस जवार बाजरा वीट, राइस मेस, जवार, बाजरा ठीक है अंशुल ये मेन था अंशुल ये मेन था इसलिए ग्रीन रेवल्यूशन को वीट रेवल्यूशन भी बोलते हैं ग्रीन रेवल्यूशन को वीट रेवल्यूशन भी बोलते हैं ओके नाम याद हो गया पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पहले चार स्टेट में आई थी फिर पूरे इंडिया में फैली सुनिए अब बताता हूं बेटा दिशा ग्रीन रेवल्यूशन के दो फेज थे ग्रीन रेवल्यूशन के दो फेज थे स्टेज। फेस स्टेज रीति फर्स्ट फेज सेकंड फेज फर्स्ट फर्स्ट फेज था हमारा मिड सिक्सटी से मिड सेवेंटी दूसरा था मिड सेवेंटी से मिड एटी पढ़ेंगे कल नहीं बताया था थैंक यू ऋषिका याद कर पहला फेज था मिड सिक्सटी से मिड सेवेंटी और दूसरा था लतिका बेटा मिड सेवेंटी मिड एटी तो वो चारवी चार, चार स्टेट यहां पे थे ओके बेटा जो मैंने बताया ना पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वो यहां पे थे उमेश पूरे इंडिया में फैल गया यहां पे, ठीक है चार स्टेट यहां पे इंडिया में फैल गया यहां पे। ओके याद हो गया अब पढ़ते हैं और ये भी पता था मैंने हर्षिता को जो ग्रीन रेवल्यूशन आई थी वो आई थी खरीफ सीजन में रबी सीजन में नहीं ओके ये जो ग्रीन रेवल्यूशन आई थी किसमें आई थी खारिफ सीजन में आई थी रबी सीजन में नहीं आई थी ठीक है जी नेक्स्ट सुनिए ग्रीन रेवल्यूशन के क्या बेनिफिट हुए रेडी ग्रीन रेवल्यूशन के तीन बेनिफिट हुए नुकसान भी बढ़ेंगे नैतिक सबसे पहला फायदा हुआ मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया गगन मार्केटेबल सरप्लस सुनिए सचिन सर ने हमें सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में सचिन सर ने फर्स्ट चैप्टर में बताया था काव्या जो किसान बेचने फसल बेचते हैं कमर्शियल फार्मिंग अपनी फैमिली के लिए सबसिस्टेंस फार्मिंग याद है है ना बेटा फर्स्ट चैप्टर याद करो गंदे बच्चों जो किसान फसल बेचते हैं कमर्शियल अपने घर के लिए सबसिस्टेंस फार्मिंग घर सबसिस्टेंस बेचना कमर्शियल जी निशित मार्केटेबल सर्पस क्या होता है बेटा पहले घर के लिए निकालो फिर बेचो इसको मार्केटेबल सर्पस बोलते हैं ठीक है बेटा ये मतलब होता है ओके भूलना मत, पहले चारवी घर के लिए निकाल लो याद अब नोटिंग नहीं याद हो रहा है पहले घर के लिए निकाल लो सबसिस्टेंस फिर बचावा बेचो इसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस जी पहले सबसिस्टेंस फिर कमर्शियल ओके नेक्स्ट नैतिक हमारी सरकार बनाती है बफर स्टॉक क्या बनाती है बेटा बफर स्टॉक बफर स्टॉक मजबूरी के दिनों के लिए हम सामान इकट्ठा करते हैं अर्थक्विक सुनामी बफर स्टॉक से निकालेंगे तो चारवी बेटा हमारे बफर स्टॉक हमने गेहूं चावल चीनी इकट्ठा कर, कर लिया आया आया कोई बात नहीं तो हम लोग यहां से निकालेंगे तो बेटा साक्षी हमारे बफर स्टॉक का नाम है हमारे बफर स्टॉक का नाम है एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओके जिस जगह पे रखते हैं क्या नाम है एफसीआई बताता हूं तूने देखा है अभी बताता हूं अभी ना का जवाब सलूजा बफर स्टॉक इमरजेंसी के लिए होता है तो बाढ़ तूफान तो हम निकालेंगे हमारे बफर स्टॉक का नाम है एफसीआई मेरे बच्चों को फुल फॉर्म याद हो गई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सचिन सर आप क्या रहे हमने देखा है बताता हूँ देखा तूने शांति तो रख तूने देखा है बताता हूं कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। उमेश बताता हूं मुझे आगे भी करवाना है काव्या रिप्लाई नहीं आ रहा गुप्ता रिप्लाई नहीं आ बेटा आर यू देयर ठीक है बेटा जी बता दे देना नहीं तो पता ना क्लास से बाहर निकाल देता हूं जैसे मैंने किसको निकाला था ना बेटा सबको याद है बेटा अनन्या, महक, जी अगर रिप्लाई नहीं देते तो क्लास से बाहर निकाल देते जैसे किसको निकाला था जी उमेश भाई को यह बात तो अब आज तक चैनल पे भी आ गई आज तक चैनल पे भी आ गई कि सचिन सर की क्लास में उमेश को बाहर निकाला था जी इसलिए आप लोग पंगा नहीं लेंगे जी तो सुनिए बेटा आपने कहां देखा एफसीआई तनु बेटा हमने मायापुरी चुप चुप चुप, चुप मायापुरी फ्लाईओवर देखा है मायापुरी फ्लाईओवर जिसमें नीचे रेलवे ट्रैक है देखा है जी मायापुरी फ्लाईओवर नीचे रेलवे ट्रैक है वहां पे देखना पिंक कलर के पिलर्स है भी देखा है पिंक कलर के पिलर्स है ऊपर लिखा हुआ है एफसीआई कभी देखना भी पुत्र कभी जाए मायापुरी मेट्रो स्टेशन वहां पे है बस स्टैंड वहां पे है जी तो कलर के पिलर्स है नैतिक भाई वो हमारा एफ सी आई है देखो फिर अमन अमन कॉमन सेंस की बात है कॉमन सेंस की बात है देखो अगर हमारे पास ज्यादा फसल होगी तभी बफर स्टॉक में डालेंगे है ना साक्षी लोगों के खाने के लिए नहीं है तो पहले सब देखो सब तीन सीक्वेंस में होती है सबसे पहले कृष्ण फैमिली के लिए फैमिली के लिए फिर बेचूंगा फिर एमरजेंसी के लिए ठीक कह रहे हो लॉजिक है, विपुल भाई, नहीं बेटा बारह खंबा रोड पे नहीं है बेटा बारह खंबा रोड पे नहीं है एफसीआई ज्यादा था दक्ष FCI जो जो होते हैं रेलवे ट्रैक के पास होते हैं ठीक है दक्ष भाई रेलवे ट्रैक के पास होते हैं ताकि सामान का मूवमेंट ईज हो सके बारह खंबा रोड बेटा बफर स्टॉक से निकालते हैं ओके सक्षम बफर स्टॉक से निकालते हैं इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी नैतिक याद कर पहले के लिए उसके बाद बेचूंगा फिर जो बच गया उमेश वो डालेंगे बफर स्टॉक में ठीक है सर तो पहला फायदा याद हो गया मार्केटेबल सरप्लस गगन भाई दूसरा बफर स्टॉक जी जी नेचुरल कलेमेडी में भी निकालेंगे कृषि तीसरा बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप लो इनकम ग्रुप याद कर बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप गगन देखो गगन ये जो एच वाई की सीड होते है ना ये कम सीड से ज्यादा फसल उगती है ओके एच वाई सीड का एक बेनिफिट ये आशी बेटा आर्यन बेटा कम फोर्थ तो, तो किलो से हजार किलो ये बेनिफिट है तो लो इनकम वालों को अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल गई ये तीन बेनिफिट किससे हैं ग्रीन रेवल्यूशन से लर्न करेंगे पहला मार्केटेबल सबसिस्टेंस के बाद बेचूंगा ओके केतन बफर स्टॉक एमरजेंसी के लिए हमारा बफर स्टॉक एफसीआई ओके अनन्या किसका बेनिफिट हुआ लो इनकम ग्रुप का रुकिए 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 किसका लो इनकम ग्रुप का गरीब किसान कम बीस से ज्यादा प्रोडक्शन उगा पा रहे हैं तीन बेनिफिट अब देखिए नुकसान क्योंकि तो मंतेज हेड भी होता है टेल भी होता है दोनों साइड होते हैं बेटा किसी के ठीक है तो देखिए अब देखते हैं नुकसान क्या हुआ रुकिए गगन गगन चुप गगन चुप गगन चुप गगन चुप, गगन चुप भाई थैंक यू गगन रिस्क इन्वॉल्व इन ग्रीन रेवल्यूशन पहला बेटा ये जो एच वाई वी सीड होते हैं पीयूष भाई ये जो एच वाई वी सीड होते हैं इनमें पेस्ट जल्दी लग जाते हैं ओके पेस्ट जल्दी लग जाते हैं तो लिशिका पेस्टिसाइड देखो एक तो हो गया खर्चा करेंगे दूसरा ज्यादा पेस्ट डालोगे तो पॉइजन हमारे तक आएगा क्यों ठीक क्या एक तो भाई खर्चा करोगे डीडीटी का दूसरा साक्षी अगर हमें जाल डाल दिए वो डीडीटी बीएससी तो वो फसल के अंदर आ गया वो हम खाएंगे हमारे पेट के अंदर वाले कीड़े मरे मरेंगे जी हम लोग ज्यादा आएंगे पता नहीं माखी जी पहला टेस्ट अटैक जल्दी होता है एचवाई वी पे दूसरा नैतिक इससे इनकम इनक्वलिटी बढ़ती है इनकम इनक्वलिटी डिस्पैरिटी गैप बढ़ता है बताता हूं क्यों मंतेज एच वाईवी थोड़े महंगे आते हैं तो केतन जिसके पास एच वाई वी का पैसा है नॉलेज है सुनना फिर अगरी डिस अग्री। एच वाई वी थोड़े से महंगे आते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड तो विपुल जिसके पास एच वाई वी की नॉलेज है पैसा है अमीर हो गया नॉलेज नहीं है पैसा नहीं है गरीब रह गया मिल गया जवाब ठीक है पीयूष के पास पीयूष के पास नॉलेज है पैसा है एच वाई खरीदेगा अमीर हो गया जिसके पास पैसा नहीं है साक्षी नॉलेज नहीं है वो बेचारा तो ये डिफरेंस आया जीआर की वजह से ओके 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 ठीक है जी सचिन सर लर्न करा दिया आपने जी आर चलिए सचिन सर सुनियम से रेडी सचिन सर के बच्चे रेडी गगन जी ग्रीन रेवल्यूशन की पहला रीजन जल्दी गुलाटी ने तीन रीजन बताए नहीं जवाब आएगा रिमूव कर दूंगा जल्दी रॉबिन, लतिका इंदरप्रीत सलूदा साहब इंदर सिंह एक एक कुछ उठ उठ जाओ उठ जाओ पहला रीजन था एच वाई बी सीड हाई जीडिंग वेराइटी सीड्स ओके दूसरा क्या था जल्दी चलो तो जा दूसरा क्या था इरिगेशन इरिगेशन क्यों आई क्यों आई हरित क्रांति क्यों आई पीशा बेटा इरिगेशन फैसिलिटीज रीति थर्ड थर्ड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एक बार देखते हैं किसका नहीं आ रहा रिमूव करो एक मिनट भी बाय बाय कर देते दे हैं जो जवाब नहीं दे रहा जी ग्रीन रेवल्यूशन का ईयर क्या था हर्षिता ग्रीन रेवल्यूशन का ईयर क्या था 1966, जी किस सीजन में आई थी खारिफ राबी आर्यन हर्षित किस में आई थी खारिफ सीजन खारिफ सीजन अनम्यूट नहीं, नहीं करना अनम्यूट नहीं करना हरिफ सीजन हारिफ सीजन ओके ग्रीन रेवल्यूशन की कितनी फेसेस थी पांच बात भाई दक्ष विपुल कितनी फेस थी सर दो बताइए आपने इसके दो फेसेस थे फर्स्ट फेस फर्स्ट नहीं दिया इनिशियल नाम दिया एक मिनट एक मिनट एक मिनट आते एक मिनट जी फर्स्ट सेकंड नाम दिया पीयूष भाई अंशुल भाई फर्स्ट फेस सेकंड फेस इसका जो भी हर्षदा फर्स्ट आ गई इसका फेस कब से कब था केतन भाई मिड सिक्सटी से मिड सेवेंटी और दक्ष भाई इसका मिड सेवेंटी से कब तक अभी तक नहीं नहीं सर क्या कर रहे हो मिड एटी काव्या कितने स्टेट में फैला था अनन्या लिशिका कितने सर चार स्टेट में फैला था सर एक पंजाब में फैला सर एक हरियाणा में सर एक आंध्र प्रदेश चौथा तो मैं नाम भूलगा रीति पंजाब हरियाणा एपी चौथा नाम बोलिया मैं सचिन सर तमिलनाडु और चार भी डन पूरे इंडिया में पहले चार डन पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया स्क्रीनशॉट जल्दी शतानो उमेश भाई जल्दी डन 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 ओके 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 आगे वाला भी सुन लेते हैं काव्या से केतन से बिल्कुल जी डन डन आर डन डन वेट ओके गोल्डन राइस बता रहा बेटा ठीक है ओके दक्ष भाई बता रहा अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस सचिन सर के बच्चे रेडी जी मोहित अमन सबसे पहले किसान क्या करता है सबसिस्टेंस सबसे जल्दी हिंड देता हूं दीपांशु भैया कोई भी किसान सबसे पहले क्या करता है सचिन सर पहले अपनी फैमिली के लिए रखता है सबसिस्टेंस बचावा बचावा बेचेगा जो बचेगा नहीं तो नहीं बेचेगा बचे हुए को बेचेगा पहले फैमिली देन दिवंशी बेचेगा तो बेटा इस बचे हुए को बेचना इस बचे हुए को बेचना उसे बोलते हैं मार्केटेबल सर्कस ओके बेटा उसे बोलते हैं मार्केटेबल सर्कस ठीक है कोमल इसको नहीं जसविंदर दिशा इसको नहीं बेटा बचे वे को बेचना उसे बोलते हैं मार्केटेबल सर्कस देखो नाम देख एक बार गुर, 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 गुरु 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 को सरप्लस बचावा मार्केटेबल बेचना अभिजीत क्लियर हो गया सरप्लस बचावा चारवी बेटा दिशा बेटा यस yes, रट्टा क्यों लगाए उमेश भाई सरप्लस बचावा बचे हुए क्या करेंगे मार्केट में लेके जाएंगे ओके okay, सर दूसरा अमरजेंसी के लिए क्या बनाते हैं जल्दी कृष लतिका एमरजेंसी के लिए क्या बनाते हैं सर अमरजेंसी के लिए बनाते हैं बफर स्टॉक हमारे बफर स्टॉक का नाम क्या है रिलायंस हमारे बफर स्टॉक का नाम क्या है रुद्राक्ष क्या नाम है हमारे बफर स्टॉक का एफ सी आई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है इसमें इसमें जो खाना रखते हैं रुद्राक्ष किसके लिए यहां पे हम जो फूड इकट्ठा करते हैं किसके लिए दिवाली में निकालेंगे दिवाली दिवाली में ईद में गुरुपूर्व में कब निकालेंगे एमरजेंसी बोर हो गई कोई नेचुरल कोलोमिटी ओके लास्ट किसकी इनकम बड़ी किसकी इनकम बड़ी हाँ ठीक है फूड प्राइसेस लो इनकम ग्रुप बेनिफिट टू किसका रीति बेटा लो इनकम लो इनकम ग्रुप फार्मर लो इनकम ग्रुप फार्मर रीजन रीजन क्या है पीयूष क्योंकि सर कम सीड से ज्यादा प्रोडक्शन भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए जी ठीक कह रहा है बेटा कम सीड से ज्यादा प्रोडक्शन होता है चलिए स्क्रीन शॉट अंकल गगन भाई जल्दी डन शाबाश डन 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 सिस्टेंस बचावा बेचना बफा स्टॉक लो इनकम ग्रुप को फायदा हुआ कम सीड से ज्यादा प्रोडक्शन ओके नन्न अब रिस्क रिस्क रेडी रिस्क इन बॉल्ड विद ग्रीन रेवल्यूशन पहला जल्दी। इस पर कौन अटैक करता है एनिमल बर्ड्स जल्दी को यार जल्दी कौन अटैक अटैक करता है बर्ड्स पाकिस्तान चाइना कौन अटैक करता है सर पेस्ट पेस्ट दूसरा जिनके पास पैसा नॉलेज है उर्जा अभिजीत पैसा नॉलेज है, है एचवाई भी खरीदेंगे दूसरे नहीं खरीदेंगे इससे क्या होगा जिनके पास पैसा है नॉलेज है एच वाई भी खरीदेंगे और जो नहीं खरीदेंगे उससे क्या होगा थैंक यू सर उससे होगा इनकम इन इक्वलिटी अच्छा वर्ड डिस्पैरिटी अच्छा वर्ड गैप लाइक वैभव क्योंकि एच वाई सीड थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और जिनको नॉलेज है एक्सपेंसिव है नॉलेज है वो यहां हो गए नॉलेज नहीं है पैसा नहीं है वो भाई ये रह गया रिच फार्मर नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है वो बेचारे नीचे रह गए चलिए जी, स्क्रीनशॉट, क्रिश जल्दी मान्या बेटा आर्यन नैतिक हर्षित डन 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 ग्रीन रेवल्यूशन क्या है अचीवमेंट फेलियर सुनेंगे नेक्स्ट कहानी सुनेंगे एक मिनट जी एक मिनट एक मिनट जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनी है नैतिक वेट कर बेटा नैतिक करवा रहा हूं नैतिक बेटा मैंने कल बताया था इंडस्ट्री सॉरी एग्रीकल्चर को बचाने के लिए दो था एक लैंड रिफॉर्म बताया था मैंने कल एग्रीकल्चर का जो भला करा पीयूष एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का भला करा एक लैंड रिफॉर्म वो जमींदार खत्म करा दूसरा ग्रीन रेवल्यूशन ओके दिमाग में रखना एग्रीकल्चर का भला करा एक लैंड रिफॉर्म ने और एक ग्रीन रेवल्यूशन ने अब ऐसी कृषागी इंडस्ट्री का भला किसने करा इंडस्ट्री का भला किसने करा एक थी 48 की पॉलिसी 51, 56, 75, 91, एक, दो, तीन, चार पांच ये पांच पॉलिसी था अमन याद कर इंडस्ट्री का भला करने के लिए दक्ष 48 पॉलिसी बनी 51, 56, 75, 91 आपके कोर्स में आपके कोर्स में फिफ्टी सिक्स नाइनटी वन की पॉलिसी है याद कर ले जल्दी पीयूष फोर्टी एट जल्दी कर फोर्टी एट की पॉलिसी ओके फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स नाइनटी वन ये पांच पॉलिसी बनी है किसके लिए मनपेश के लिए अमन के लिए इंडस्ट्री मोहित भाई इंडस्ट्री 48, 51, 56, 75, 91 हमारे कोर्स में जो है वो है 56 पॉलिसी नाइनटी वन की पॉलिसी ओके 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 जी रेवल्यूशन का मतलब है ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन महक बेटा हमने इतना प्रोडक्शन करा इतना प्रोडक्शन करा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए केतन 91 के बाद कोई पॉलिसी नहीं बनी ठीक है 91 के बाद कोई पॉलिसी नहीं बनी स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्रीज ओके केतन ठीक है याद कर तो अभिजीत हम लोगों ने इतना प्रोडक्शन करा कि प्रोडक्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए उसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन को बोलते हैं रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन का मतलब वो नहीं है मंगल पांडे वाली क्रांति ठीक है बेटा मंगल पांडे वाली क्रांति 1857 भारत छोड़ो आंदोलन ना ना ओके ये मतलब है उमेश भाई ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन इतना समान बनाया साक्षी कि बेटा प्रोडक्शन के रिकॉर्ड टूट गए दैट इज रेवल्यूशन ये वर्ड याद कर ले अनन्या ये वर्ड याद कर बेटा देवांशी ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन ओके सर ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन ओके कोमल जी सुन बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन ग्रे रेवोल्यूशन येलो मुंह मूबंद ब्लू रेवल्यूशन सिल्वर रेवल्यूशन उमेश मैं पढ़ा दू है बेटा वेट बेटा देख कैसे नाम पढ़ा दिशा ग्रीन फसल होती है देख याद कर ऋषिका लतिका ग्रीन फसल होती है तो तिशा चारवी क्रॉप ग्रीन ओके मिल्क मिल्क व्हाइट होता है मिल्क मिल्क के प्रोडक्ट मिल्क मिल्क के प्रोडक्ट वाइट होती हैं आप चुप आप चुप पहले मुझे पहले मुझे करवाने दो याद कर ग्रीन फसल आर्यन भाई हर्षित भाई वाइट मिल्क मिल्क प्रोडक्ट अमन भाई ग्रे वूल ग्रे वूल ग्रे वूल ब्लू, मरीन प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स सी प्रोडक्ट्स, ओके वो गाना गाता नहीं है अभिजीत ब्लू है पानी 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 है ना हर्षित नैतिक गाना गाता है उसके लिए ब्लू है पानी वह, वही, 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 वही 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 बेटा ब्लू, मरीन जी बस समझ गए तुम बस करो तुम शुरू ही पानी पानी यार ये बड़े गंदे बच्चे हैं यार इनके साथ मजाक भी नहीं करनी चाहिए अच्छा उमेश जी आ उमेश जी सुनिए सिल्वर एग्स सिल्वर एग्स येलो फ्लावर्स याद करेंगे ग्रीन सुनूंगा ग्रीन क्रॉप व्हाइट मिल्क मिल्क प्रोडक्ट ग्रे वूल बेटा एग का देखो सुनो कोमल एग बेटा दो तीन वैरायटी के होते हैं एवरेज कलर सिल्वर ही हुआ नहीं कोमल बेटा नॉर्मल एग होता है पता नहीं आप हो मांसाहारी है ना बेटा हम तो राम 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 ठीक है कोमल बस बस समझ गई तू बस समझ गई ठीक है ग्रीन क्रॉप्स वाइट मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स हर्षिता ग्रे ऊल येलो फ्लावर्स मैक्सिमम फ्लावर येलो कलर के होते हैं मैक्सिमम क्यों आशी मैक्सिमम फ्लावर येलो कलर के होता है मैक्सिमम ब्लू ठीक है सिल्वर एक्स याद हो गया सुन रहा हूं हर्षित रेडी विपुल अंकल मान्या बेटा रुद्राक्ष जी रेडी रेडी शतान मेरे रेडी नहीं 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 बेटा ग्रे वूल से रिलेटेड ओके तक्ष ग्रे वूल से रिलेटेड किसने लिखा ये कौन है मेरा फेवरेट वेरी गुड जैन साहब जैन साहब वेरी गुड रेवल्यूशन का मतलब जल्दी दिशा अनु रेवल्यूशन या चुप चुप कोमल रेवल्यूशन का मतलब सचिन ने का बताया सब बच्चे ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन ओके रचिता यह शब्द जरूर आना चाहिए ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन जी ग्रीन रेवल्यूशन एसोसिएटेड विद जल्दी ग्रीन रेवल्यूशन एसोसिएटेड विद क्रॉप व्हाइट रेवल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं ठीक है बेटा वाइट रेवल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं ओके सर रिलेटेड विथ काव्या सचिन सर प्यूश मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ओके ग्रेट जल्दी गंदे बच्चों ग्रे वूल सिल्वर 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 कुछ भी बोल दो कुछ भी चलेगा क्या कर रहे हो बेटा सिल्वर एड एंड प्लस मीट कोमल अब बात मैच हुई कोमल है ना पुत्र बात मैच हुई एग एंड फ्लैश कोमल पुत्र हाँ जी एग फ्लैश सिल्वर नेक्स्ट येलो शतानो येलो 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 ये अपना बना रहे हैं कि सर फ्लैश रेड रेवल्यूशन होना चाहिए फ्लावर्स हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर बेटा जो भी हम लोग सुनिए चारवीं बेटा जो भी हम लोग गार्डन में उगाते हैं चुप हो जाओ मेरा फ्लो टूट रहा है इंद्रप्रीत जो भी हम लोग गार्डन में उगाते हैं उसे बोलते हॉर्टिकल्चर ठीक है बेटा क्या बोलते हैं जो फील्ड में नहीं अननया गार्डन में उगाते बेटा फ्रूट ठीक है बेटा फ्रूट कुछ वेजिटेबल्स प्लूर ये खेत में नहीं उगते जो गार्डन बगीचा उसे बोलते हैं पुत्र हॉर्टिकल्चर है, भूलेगा नहीं हॉर्टिकल्चर जो गार्डन में उगता है ओके सचिन सर और वो रीति बेटा ब्लू रेवल्यूशन जल्दी मरीन प्रोडक्ट्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ग्रीन क्रॉप व्हाइट मिल्क ग्रे वूल सिल्वर एग एंड फ्लैश येलो फ्लास्क हॉर्टिकल्चर ब्लू मरीन जल्दी शॉट यूश अंकल निशीत जल्दी रुद्राक्ष डन जी 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 अरोड़ा साहब फिश फिश कहां पे आएगी मरीन रोडस फिश कहां पे आएगी पता है आपकी फेवरेट क्या है ठीक है जी आपकी फेवरेट पता है मैं अरोड़ा साहब सुनिए जी और तू चल प्योर वेजिटेरियन तू जा यार्योर वेजिटेरियन हम्म hmm. मुंह ना खुलवा हमारा जी वो देखा था हमने छोड़ यार छोड़ फिर फिर मेरा मुंह खुलवाएगा मैंने देखा था वो जब तू उसके बर्थडे में आया नैतिक के नैतिक के बर्थडे में आया वो जो तू पूरी प्लेट भर के साइड में अकेले केले खा रहा था है तूने एक पीस भी नहीं दिया था जसविंदर को इंदर को और सब याद है हमारे को मैंने कहा था मैंने मुंह मत खुलवा हाँ प्योर वेजिटेरियन जी आओ जी थोड़ा यार ये नहीं क्या क्या बातें करता रहता है हर्षिता जी रेडी जब तक ये अपना डिनर रेडी करते हैं इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन अश्मीत मोहित अमन सचिन प्लीज सचिन सर ने कितनी पॉलिसी बताई थी इसकी जल्दी इयरवाइज नाम बता दे बेटा भूल गया याद है हरित क्रांति लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर के लिए इसके लिए गुलाटी ने कितने बताई थी सर आपने पांच बताई थी सबसे फर्स्ट वाली कहा अभिजीत पहली वाली कब बनी वेरी गुड अमन आई एम इम्प्रेस्ड फोर्टी एट उसके बाद फिफ्टी वन उसके बाद फिफ्टी सिक्स सेवेंटी फाइव वन हमारे कोर्स में ये दो हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट policies 48 एट सुनिए बेटा केतन इसे बोलते हैं आईपीआर okay, ओके अभिजीत हर्षित इसे बोलते हैं आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ओके सर आईपीआर बोलते हैं ठीक है मंदेश भाई सेवेंटी फाइव का नाम नहीं है नाइनटी वन एलपीजी वाली ओके okay? हिमाक्षी, कृषांगी ये एलपीजी वाली इसे बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी याद कर भाई 56 जल्दी दिशा 56 सिक्स आईपीआर नाइनटी वन वाली 91 वाली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आती थी हमारी एलपीजी के अंडर स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी रीति जल्दी जल्दी मेरे बच्चों जल्दी करो जल्दी करो डन 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 ओके ओके ठीक है पुत्र नेक्स्ट देखिए पांच मिनट में विशा वर्ड्स बता पर है? है? रहा परसों सुनूंगा ठीक है ठीक है आप टॉपिक नहीं करवा रहा चार भी कुछ वर्ड्स बता रहा इंपॉर्टेंट है परसों सुनूंगा जी सर बताइए सर आपने बताया था इम्पोर्ट को रोकना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेडी शतार मेरे मनप्रीत इंपोर्ट को रोको बाहर से मत मंगवाओ इंडिया में बनाओ इंपोर्ट सब्सक्रिप्शन सर आपने अदर नहीं बताया था इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी इंपोर्ट को रोको इंडियन बनाओ बल्कि एक्सपोर्ट करो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अमन इसके दो तरीके होते हैं दो तरीके होते हैं चार भी टैरिफ नॉन टैरिफ टैरिफ नॉन टैरिफ, टैरिफ बोले कस्टम ड्यूटी बोले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स बोले इको इक ही गल याद कर अकाउंट्स में भी नहीं भूलेगी, ना मैथ्स में ना इको में याद करियो दिशा टैरिफ बोले याद कर रहे सुनूंगा जसविंदर टैरिफ कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स इको ही गल तो चार भी हम लोग क्या करेंगे जो बाहर से सामान आ रहा है टैक्स बढ़ा दो जा रहा है कम कर दो ताकि जो सामान आता है हाई टैक्स जा रहा है कम टैक्स ये हो गया टैरिफ उमेश कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉन टैरिफ इसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव गगन भाई गगन भाई गगन भाई क्वाटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्यू आर या कोटा सिस्टम गगन भाई मॉन्टेरिफ क्यू आर कोटा सिस्टम गगन भाई इसका मतलब हुआ पहले लिमिट थी लिमिट थी आप एक वॉच मंगवा सकते हैं क्वांटिटी लिमिट एक पेयर ऑफ शूज बोलो बेटा समझ आ रहा तो ये रिलेटेड टैक्स यहां पे क्या था हर्षित क्वांटिटी लिमिट आप दो फोन मंगवा सकते हो दो वॉच क्वांटिटी टैक्स की तो बात ही नहीं हो रही तनु पता है तेरे पास बहुत पैसा है दिशा अभिजीत तुम्हारे पास बहुत पैसा है हम बात ही नहीं कर रहे आप एक कार मंगवा सकते हो एक बाइक यूआ क्यू आर क्वांटिटी कंट्रोल जी क्वांटिटी क्वांटिटी टैक्स की बात नहीं हो रही पैसे की बात नहीं हो रही मोहित क्वांटिटी कंट्रोल ओके रेडी सचिन सर भूल गए शतान मेरे रेडी आर्यन भाई केतन कृष जल्दी जल्दी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार मार्क का जो सचिन सर करवा रहे हैं लिख देते हैं रीति दीदी जी कोमल पुत्र इंपोर्ट सब्सिट्यूशन जल्दी अदर नेम जल्दी 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 अनन्या दिवांशी अरोड़ा साहब रुद्राश अंकल अदर नेम सचिन सर आपने बताया था इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी इसमें इंपोर्ट को रोकेंगे एक्सपोर्ट करेंगे दो तरीके होते हैं वो टैक्स से रिलेटेड क्या होता है नैतिक निश्चित टैक्स से रिलेटेड आधी बात में आधी बात तुम क्या बोलते हैं उसको सचिन सर टैक्स वाले को बोलते हैं टेरिफ मेजर या चारवी बेटा कस्टम ड्यूटी हर्षिता टैरिफ बोले कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी बोले एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स बोले एक ही बात है अकाउंट्स में आएगा ध्यान रखियो एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स ओके टैरिफ कस्टम ठीक है शां दूसरा क्या था दूसरा क्या था नॉन टैरिफ नॉन टैरिफ मेजर लूजा साहब अदर नेम क्यू आर रिस्ट्रिक्शन एक नाम और भूल गया जल्दी दिशा, तनु एक नाम और भूल गया अंशुल, कोटा सिस्टम यहां पे कोटा का मतलब वो एससी एस ओबीसी से नहीं है क्वांटिटी लिमिट टैक्स टैक्स के अलावा स्क्रीन शॉट जल्दी मेरे शतानो इंपोर्ट रोकना एक्सपोर्ट बढ़ाना टैक्स टैक्स के अलावा जल्दी डन 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 स्क्रीनशॉट हो गया शतानों का ओके प्यारे शतानों, बाय बाय Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye Beta. Take care.